छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर पल्लवी पटेल की नाराजगी अखिलेश यादव की टेंशन बेशक बढ़ा रही है। अखिलेश के साथी ही उनके पीडीए एजेंडे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि गृह क्लेश से कैसे निपटेंगे अखिलेश और कांग्रेस का गिरता जनाधार, साथियों का एक के बाद एक किनारे होते जाना ही सरेंडर की वजह है। आज इन्हें सवालों पर एक खास गेस्ट पैनल के साथ महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जयंत ने साथ छोड़ा, अब स्वामी ने आंख दिखाई। जिम्मेदार मुद्देदार कि स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी बयान कहकर के इस अभियान की हवा निकालने की कोशिश करते रहते हैं। यद्यपि कुछ छुटभैये नेता भी अनाप शनाप टिप्पणी करते रहते हैं, मैं उसको अन्यथा कभी लेता नहीं हूं। राज्यसभा चुनाव में पल्लवी का इशारा, एसपी से किनारा। हम सिर्फ इस बार इस लिस्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीडीए हमें साकार रूप से नहीं दिख रहा। पीडीए अगर साकार रूप से दिखता तो हम पहले भी इनके साथ थे, आज भी हैं, कल भी रहते। समाजवादी पार्टी में गृह कलेश, कैसे निपटेंगे अखिलेश? जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। अमेठी के बाद रायबरेली से कांग्रेस की दूरी। अमेठी और रायबरेली से उनका पारिवारिक रिश्ता है, घर का रिश्ता है और पीढ़ियों का रिश्ता है, तो निश्चित तौर से वो घर की सीट है, वो परिवार के साथ रहेगी। निश्चित तौर से परिवार के लोग निश्चित वहाँ की जनता की सेवा लगातार करते हैं, सेवा करते हैं। योगी मोदी के मुकाबले एसपी हाफ, कांग्रेस साफ। पूरी कांग्रेस पलायन कर रही है, आप सब जानते हो, पूरी कांग्रेस पलायन कर रही है। और अब वक्त है महाबहस के तीन राउंड के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो चलिए सबसे पहले आपको पहला सवाल दिखाते हैं। सवाल नंबर एक यही, जयंत के बाद स्वामी पल्लवी ने आंख दिखाई। अब कुल मिलाकर जो सहयोगी बचे थे वो धीरे धीरे करके सवाल उठाने लगे। आरएलडी पहले चली गई, अब पल्लवी पटेल सवाल उठा रही है। अमेठी के बाद रायबरेली से कांग्रेस की दूरी। सोनिया गांधी ने राज्यसभा का नॉमिनेशन राजस्थान से फाइल किया है, तो एकमात्र सीट जो रायबरेली कांग्रेस या गांधी परिवार की बची थी, क्या उस पर भी कांग्रेस कॉन्फिडेंट है? बीजेपी का दावा एसपी हाफ, कांग्रेस साफ। अब बीजेपी खुलकर कह रही है कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी जैसे अलग हो गए तो एसपी हाफ हो गई है और कांग्रेस तो अब साफ ही हो गई है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी प्रवक्ता सुभाषपा, और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले अनुराग जी आपसे करते हैं। पल्लवी पटेल भी सवाल पूछ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पार्टी के जो छुटभैया नेता हैं उन्होंने माहौल खराब कर रखा है, पार्टी पतन का कारण है। तो अब बीजेपी कह रही है कि एसपी हो गई हाफ और कांग्रेस पूरी तरह से साफ। लेकिन लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है, इसको भी चलाइए, कि भारतीय जनता पार्टी का हो गया सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश से। जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेके जिनके अंदर असंतोष है लगातार वो धरने पे बैठे हैं, लगातार सरकार को चिता रहे कि हमारी एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी दे दीजिए, हमारी लागत का मूल्य तो कम से कम उसकी तो गारंटी दीजिए, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कीजिए जो आपने संपूर्ण लागत का डेढ़ गुना देने की बात की थी। वो किसान मांग रहा है, रास्ते पे महिलाएं बैठी हैं, वो अपना अधिकार मांग रही है देश के अंदर में कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो धरने पे बैठे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप सिर्फ किसानों के भरोसे 2024 की लड़ाई लड़ेंगे? मुझे बोलने नहीं देंगे आप? मुझे बोलने तो दीजिए, आपने बोलने का मौका दिया है तो मैं कह रहा हूँ आप, लेकिन आपने चूंकि किसानों की बात एकदम से छोड़ी तो मैंने कहा कि क्या आप सिर्फ किसानों का ही भरोसा है? जनता के मुद्दों पर ही बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ। युवा लगातार बेरोजगारी को लेकर धरने पे बैठा रहता है। किस तरह से यहाँ पे सैनिक जिनको अग्निवीर आपने बनाया वो किस तरह से इसके खिलाफ में धरने पे बैठे लगातार, जिसको आपने दबाया, कौन वर्ग वकील लगातार धरने पे बैठा है ईवीएम के खिलाफ, कुछ वकील, कुछ जनता, पूरी की पूरी जनता धरने पे बैठी हुई है। तो यहाँ देखिए महिलाएं जनते रोड पे, वकील रोड पे, किसान रोड पे, युवा रोड पे, डॉक्टर रोड पे, तो आप बताइए कौन है जिसको इस सरकार ने न्याय दिया है?
ठीक है, इसका जवाब आलोक अवस्थी जी से लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, अनुराग जी जिस तरह के फैक्ट्स पेश कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी जनता उठ खड़ी हुई है बीजेपी के खिलाफ, सबके सब सड़कों पे हैं सरकार के खिलाफ। चुनाव में 2 ही महीने रह गए। देखिए, देश में प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी। इनको छोड़ छोड़ करके लोग जा रहे हैं। कांग्रेस को उसके ही जो साथी थे वो छोड़ के चले गए। समाजवादी पार्टी का बहुत जो गठबंधन था लोकदल से, लोकदल ने भी किनारा कर लिया। आज पल्लवी पटेल का भी बयान मैं देख रहा हूं कि उन्होंने भी किनारा कर लिया कि जो है हम राज्यसभा कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 3 राज्यसभा सीटें मिली, 1,500 करोड़ रुपए से ऊपर की मालकिन राज जया बच्चन जी को दिया, वो कौन सा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक से आती है। आलोक रंजन जी को दिया जो एक रिटायर्ड अफसर है, वो भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से नहीं आते हैं। आज अल्पसंख्यक भी पूछ रहा अखिलेश यादव से कि आप हमारे हितों की तो बात करते हैं लेकिन जब देने की बारी आती है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। तो कहां गया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक? पल्लवी पटेल ने इनको आईना दिखाया है कि हम समर्थन नहीं करेंगे। वही बात कांग्रेस की, आज एक बहुत बड़ा चमत्कार और हुआ है कि कांग्रेस ने रायबरेली की सीट छोड़ करके सोनिया गांधी भाग गई। उनको कांग्रेस ने कहा कि जो है हम राज्यसभा में भेजेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के सामने जो हम बात कह रहे हैं कि हमारी जो है जनता से लगातार हमारी जो है 1-to-1 बातचीत है, हम 80-80 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस भी भय खा करके 100 सीटें। यही सवाल प्रियंका गुप्ता जी आपसे, रायबरेली में पहले से ही कहा जा रहा था, पसोपेश थी कि कौन चुनाव लड़ेगा, लड़ेगा भी कि नहीं लड़ेगा। अब तो स्थिति बिल्कुल साफ है, सोनिया गांधी जी ने सेफ सीट यानी राज्यसभा से नॉमिनेशन फाइल कर दिया राजस्थान से। तो अब बीजेपी कह रही है कि क्या इतना भी कॉन्फिडेंस कांग्रेस को नहीं रह गया कि वो अपनी परंपरागत या अपना गढ़ जो कहा जाता रहा उसको बचा पाए? मुझे लगता है बीजेपी ने जिस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल की है मुझे आपत्ति है, क्योंकि अगर किसी को राज्यसभा जाना भागना होता है तो मुझे लगता है अपने सारे भगड़ियों को भी ध्यान में रखें। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोई कहीं से भाग नहीं रहा, आज भी कार्यकर्ता पूरी तरह से वहां समर्पित है और प्रियंका जी इलेक्शन लड़ने जा रही है, राहुल जी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसका पूरा चांसेस है और कोई कहीं भाग के नहीं जा रहा है, इस चक्कर में ना रहिए। हाँ, जो ईडी सीबीआई आईटी और उसके साथ में इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो बताएं कि वो क्या है और क्यों आज जरूरत आन पड़ी है इनको विपक्ष की, जो अपनी पार्टी में पूरा विपक्ष समाय लिए ले रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप ये बताइए कि आपके तो सांसद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? आपने कहा कि आपकी गारंटी है, आपकी गारंटियां गिनाती हूं मैं यहाँ बैठकर कि माँ गंगा की सफाई करेंगे, हो गई क्या सफाई? आपने कहा बनारस को क्यूटो बना देंगे, बना दिया क्या? महिला सुरक्षा की जब बात आई तो बगले झांकते हुए नजर आए, आपने क्या दिया? ब्रजभूषण आपकी पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी से चिन्मय है, आपकी पार्टी में जो है ना कुलदीप सिंह सेंगर है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी आ रहे 5 साल से गायब है, उत्तर प्रदेश का रुख नहीं कर रहे। आज सोनिया गांधी पे भरोसा था कि आपकी एक सीट रायबरेली सुरक्षित रहती है, परिवार को मिलती है, वो भी छोड़ करके वो भाग गई, राज्यसभा चली गई है, 6 बार से सांसद थी वो वहां पे। तो आप कांग्रेस के पास आज कोई आधार बचा नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के पास कोई आधार हो तो मुझे बता दीजिए। आपके छत्रप जो है अलग अलग राज्यों में वो छोड़ करके जा रहे हैं, वही आपके साथ नीतीश कुमार थे आपके इंडिया अलायंस में, नीतीश कुमार ने आपको पीछे छुड़ा लिया, आपके उत्तर प्रदेश आने से पहले लोकदल ने आपको पीछे छुड़ा लिया। मैं फिर लौटूंगी, अभी हमारे बीच में और भी पैनलिस्ट हैं, एक बार सभी लोग अपनी बात रखें, ठीक है? आलोक जी, एक सेकंड अनुराग जी, जैनेन्द्र प्रताप जी हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता। जैनेन्द्र जी, सपा के साथ ही जो थे छूटे बारी बारी और आज तो पल्लवी पटेल के भी तेवर कुछ बदले बदले से हैं। ये तो नहीं था, जैसे इंडिया गठबंधन के साथी एक एक करके धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है उसे देख के जो उनके साथी हैं वो अलग हो रहे हैं। पहले ये लोग, अंतर इतना है, पहले ये लोग अपने आप अलग करते थे और दूसरों के ऊपर तोहमत लगाते थे, अब वही साथी एक एक करके अपने आप अलग हो रहे हैं। उन्होंने साथ देने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि आप जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नारा लगाते हैं लेकिन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज बताऊंगा कि जो हमारे भाई कह रहे थे कि बेरोजगारी के ऊपर, बाकी भैया आपके समय में तो 1 लाख नौकरियां भी सरकारी नहीं दी गई थी, माननीय योगी जी के शासन काल में 6 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं और जो बाकी नौकरियां हैं 60,000 जो पुलिस भर्ती निकली हुई है उस पर भर्तियां चल रही हैं अभी। दूसरी चीज, गरीबी से उभारना हो
तो गरीबी से उबार के योगी जी और मोदी जी के अथक प्रयासों से यहाँ तक उत्तर प्रदेश को लाया है कि आज जो आप अर्थव्यवस्था छोड़ गए थे वो लगभग दोगुनी हो चुकी है। साथ में प्रति व्यक्ति आय जो आपके समय में थी लगभग 45,000 वो 95,000 के आसपास गई थी, लेकिन कोरोना के बाद वो फिर से थोड़ा सा नीचे आई है, लेकिन अभी भी आपसे दोगुने के आसपास ज्यादा है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, जब भी आप चीजें बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है क्या नहीं, तो आप अपने शासनकाल को देख लीजिए। कानून व्यवस्था के समय लोग क्या बोलते थे आपके बारे में, आज कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, वही सेंटेंस मैं आपके सामने रख देती हूँ जो बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश से सपा हाफ और कांग्रेस हाफ। नहीं देखिए आस्था जी, इसको समझना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो क्षेत्रीय छत्रप थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या RLD, ये सब एक बड़ी छतरी के नीचे जाते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए राजनीति, अब राजनीति का जो एक नया टेम्परामेंट, जनता का जो विश्वास या जो स्थितियां बदल रही हैं, एक नई राजनीति का सूत्रपात हो रहा है। जिस तरीके से RLD के जयंत चौधरी चले गए भाजपा में, कांग्रेस की बात आप जो कर रही हैं, कांग्रेस की एक सीट थी लोकसभा में और दो विधानसभा में, अमेठी से जब राहुल गांधी ने वायनाड चले गए और सोनिया गांधी रायबरेली, उनकी परंपरागत सीट थी, प्रियंका जी जाती थी, उनकी उनका काम देखती थी, मुंशीगंज गेस्ट हाउस तक जाती थी, कुछ लोगों को बुला लेती थी, जमीनी आधार वहां लगातार कांग्रेस का धीरे धीरे समाप्त हुआ। तो जो ये स्थितियां हैं, अब राज्यसभा से सोनिया जा रही हैं, अच्छी बात है भाई, आप राज्यसभा चली आई, लेकिन जनता के बीच जो कनेक्टिविटी कांग्रेस की एक संगठन के रूप में होनी चाहिए उत्तर प्रदेश से, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। पिछले 3 दशक से मैं देख रहा हूं कांग्रेस ने वहां संगठन मजबूत नहीं किया। प्रियंका जी जाती थी, सड़कों पर उतरती थी, स्कूटी बैठती थी, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो अब राजनीति पार्ट टाइम वाली राजनीति नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन चल रहा है, विजनरी, जो विकासशील भारत बनाने का जो उन्होंने 2047 का लक्ष्य रखा है, एक विश्वास की जनता के बीच जो विश्वास है, वो ये क्षेत्रीय दल खोते जा रहे हैं लगातार, और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि जनता जब मतदान करने जाती है तो उसको एक राष्ट्रीय मुद्दे, ये बड़ा चुनाव लोकसभा का 24 का आने वाला है, क्षेत्रीय मुद्दे वहां दब जाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पे जो बड़े काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं या योगी आदित्यनाथ ने जो एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश के अंदर क्रिएट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था प्रायोरिटी पे है, तो जो ये सारी स्थितियां हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो लगातार जो है कमजोर हो रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव जमीनी राजनीति जानते थे और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह का जाना, और अब अखिलेश उसको नहीं भाप पा रहे हैं कि आखिर सहयोगी दल उनसे छूट के क्यों जा रहे हैं। अनुराग जी देखिए, आपने आपने देखा, वो भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम रह गया है, सत्ता का दुरुपयोग करना। आप इनसे तो कभी सवाल नहीं होता कि आप बताइए किस तरह से आपने RPN सिंह को राज्यसभा दे दी, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करें, कहीं पूछा आपने? अशोक चौहान को राज्यसभा लेके आए, वहां भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्यकर्ताओं का क्या होगा? आप दूसरे दलों के नेताओं को लाके मुख्यमंत्री बना देते हैं तो वहां के जो नेता होंगे उनका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम रह गया है, NCP को उन्होंने 2 भागों में तोड़ा ताकत का दुरुपयोग करके, शिवसेना को 2 भागों में तोड़ा ताकत का दुरुपयोग करके, रामलाल पासवान जी की पार्टी को 2 भागों में तोड़ा ताकत का इस्तेमाल करके, एक बार JDU टूटते टूटते बची तब वो RJD के साथ आए थे। तो सवाल रहता है, आप नेता तोड़ते हो, पार्टी तोड़ते हो, क्यों? क्योंकि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन जनता की जो मुद्दे हैं वही के वही खड़े हैं। किसान अभी भी रोड पे है, कतरी और करनी जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, महिला समस्या वही के वही खड़ी है। 4 पर पिछड़े समाज को हमने भेजा, चाहे वो RPN सिंह सैतवार जाति से आते हैं, अमरपाल मौर्या पिछड़े समाज से आते हैं, संयुक्त संगीता बलवंत बिंद समाज से आती हैं, तेजपाल सिंह जाट समाज से पिछड़े समाज से आते हैं, शायद में से 4 पिछड़े जाति को हमने भेजा। समाजवादी पार्टी के बाद भी कल चलते थे, उनके पास ये मौका था, उन्होंने किसको भेजा? दया बच्चन को भेजा, जिनका पिछड़ों से अनुराग जी आपने बात की, आपने जोर जोर का आरोप लगाया, आलोक रंजन को भेजा, ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाया, अब उस पर आलोक जी का जवाब सुनिए। आलोक जी का जवाब सुनिए, हम आपको PM आवास देंगे,
1,30,000 और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनको ठेंगा चुनाव में दिखाएगा। कोई भी खाता समाजवादी पार्टी खुलेगा नहीं। देश की विकास की जो धारा तय रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो दुनिया देख रही है। $775 बिलियन का हमारा निर्यात हो गया है, FDI दुगना हो गया है, ITR भरने वालों में 3 करोड़ से बढ़कर के 8 करोड़ हो गया है। 2014 से पहले हमारे पास 13 करोड़ वाहन बिकते थे, आज 21 करोड़ वाहन। जवाब सुनिए शांति से। बैंक का NPA डबल था, आज सिंगल डिजिट में आ गया है। देश का डिजिटल प्रोडक्शन 1,00,000 करोड़ का हो गया है। देश आत्मनिर्भर बढ़ रहा है, स्वाभिमान। अनुराग जी जवाब सुनिए, आत्मनिर्भर जवाब सुनिए। अगर आपके पीछे बाकी पैनलिस्ट ऐसे बोलेंगे फिर देश का टंका डिबेट खराब करते हैं। अनुराग जी, अनुराग जी शांत हो जाइए, मैं किसी का ऑडियो ऑफ नहीं करवाती हूं। आलोक अवस्थी जी 20 सेकंड आपके पास। हाँ, धन्यवाद आस्था जी। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, इन्होंने पिछड़ों दलित अल्पसंख्यकों के पीट में चूरा भूका है, उनको टिकट नहीं दिया है। और रही बात हमारी, तो हमारे साथ भारत इसलिए साथ में है कि $600 बिलियन का आज भारत का रिजर्व है। डिफेंस प्रोडक्शन में आज हम नंबर 1,00,000 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत इस समय है, चौथा बड़ा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज इस समय भारत है, तीसरा बड़ा एविएशन सेक्टर के अंदर हमारा निर्माण चल रहा है, पांचवी बड़ी शक्ति है सोलर एनर्जी के अंदर भारत, ग्रीन एनर्जी में हमारा चौथा स्थान है, FDI डबल हो चुकी है $775 बिलियन का हम जो है निर्यात कर रहे हैं। हमारा EPFO जो डाटा कहता है 10 सालों में हमने 18 करोड़ नौकरियां दी हैं, $350 बिलियन का जो है आज यूनिकॉर्न में हुआ है। चले ठीक है, दोनों शाम को जाइए। प्रियंका गुप्ता जी को डिबेट कराना चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी, सोनिया गांधी जी का राजस्थान से राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल करना, क्या कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर? सोनिया गांधी जैसा बड़ा चेहरा यूपी की चेयरपर्सन रह चुकी, सुन तो लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हटाया, कितना हमने लैपटॉप दिया बच्चों को, उसके बाद अब राज्यसभा जाना पड़ रहा है। आस्था जी, राज्यसभा जाना राजनीति से संन्यास नहीं होता, ये आपके दर्शकों को बेहतर पता होगा और मुझे लगता है कि बाकी सभी पैनलिस्ट को भी बेहतर पता होगा, क्योंकि राज्यसभा में हम जो उच्च सदन है वो सदन है, और वहां जाने के बाद राजनीति में जिस भी हम मुद्दे को उठाना चाहते हैं हम उठाते हैं। और हमने ये नहीं कहा कि हम यहाँ यूपी में जो है, या ना हम रायबरेली छोड़ने जा रहे हैं, ना हम जो है अमेठी छोड़ने जा रहे हैं। चुनाव वहां से भी लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, और इस बार खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गेन ही करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी सोचे ना, जहां आज गरीब की थाली की बात कर रहे हैं तो उसकी गरीब की थाली से सब कुछ गायब। आप बात करिए ना किसानों को आंसू गैस की गोली क्यों छोड़ने पड़ रहे हैं? जब स्वामीनाथन फैक्ट्स पर अगर बात करें तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2010 में, उसे कांग्रेस ने इग्नोर किया था, नहीं अप्लाई किया था उसकी सिफारिशों को, पहले तो जवाब आपको भी इस पर देना चाहिए। 2014 और राजनीति करेंगे, 2014 के बाद आपने क्यों नहीं किया? आप तो किसान के मतलब दुगनी करने वाले थे। ठीक बात है, आप पूछिए आलोक अवस्थी जी से वो सवाल, लेकिन उससे पहले तो जवाब प्रियंका गुप्ता जी को भी देना होगा ना। आलोक जी से, आयोग उन्हीं के समय में बिठाया गया, सिफारिशें सामने आई, दरकिनार किया कांग्रेस की सरकार ने, उसको इस पर भी तो जवाब दीजिए ना। क्या 90,00,000 रोजगार देने का वादा किया था, पूरा हो गया? अनुराग जी, अब आप विषय में भटकाइए, किसानों पर बात करनी है तो फिर किसानों पर बात करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए, भारतीय जनता पार्टी सवाल, क्या आप दूसरे दलों के लोगों को बुला बुला के राष्ट्रवाद? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी क्या आलोक अवस्थी विषय को भटकाइए, आप किसानों पर बात कर रहे थे, मैंने सवाल पूछा तो अब आप राज्यसभा पर आ गए। मैंने आपके सहयोगी दलों पर बात शुरू की तो आपने किसानों का मुद्दा छोड़ा, मैंने किसानों पर सवाल पूछा तो अब राज्यसभा नॉमिनेशन पर आ गए। विषय को भटकाइए मत। प्रियंका गुप्ता जी, पिछला दलित अल्पसंख्यक आपका राज्यसभा में 3 सीटों में आपने कितना दे दिया, क्या गुना, ये बताइए। अनुराग जी शांत हो जाइए, प्रियंका जी की ऑडियो नहीं जा पा रही, पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है। उनके पास एक ही मुद्दा है, किसी तरह से भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करो, किसी तरह से भी जो है आप देखिए किस तरह से भारत रत्न के सहारे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कितने रोजगार दिए हैं, किसानों की आय का क्या हुआ है, महिला सुरक्षा पर बात करने के लिए नहीं है, आज युवाओं के साथ इन्होंने क्या किया उसके कुछ बताने के लिए नहीं है, कोई विकास बात ही नहीं है। प्रभात त्रिपाठी जी, अब 2024 का चुनाव निकट है, ये एक तरह से रिपोर्ट कार्ड चुनाव भी है, अपना रिपोर्ट कार्ड भी सरकार रखेगी, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि काम गिनाने को कुछ नहीं है। नहीं देखिए आशा जी, रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी भी रख रही है और ये इन लोगों ने भी रखा,
लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता इसको समझ क्यों नहीं पा रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, सारी चीजें कर रही हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, आप जनता के टेम्परामेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। जो राजनीति अब देखिए, जनता चाहती है कि राष्ट्रीय मुद्दे में जो विकास या डेवलपमेंट या बड़े काम हो। आज जिस तरीके से कुछ क्षेत्रीय दल या कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती थी, आप देखिए अयोध्या पूरा देश राममय हो रहा है। यूएई में आप देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने एक सातों अवतार का एक बड़ा मंदिर वहां जो है स्थापित किया है। तो ये जो विश्वास की एक जो बड़ी लकीर खींची है, वहां तक ये क्षेत्रीय सत्ता या कांग्रेस पहुंच नहीं पा रही है, समझना नहीं चाहती है। हमारे पैनल में बैठ के अनुराग भदौरिया या सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन वो जनता क्यों नहीं समझ रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस पर आपको ये सोचना होगा कि जनता के बीच आप समझा क्यों नहीं पा रहे, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ सवाल तो सारे जा रहे आलोक अवस्थी जी के पास, लेकिन आप पीछे से उनके साथ भी बोल रहे हैं अनुराग जी, उनका जवाब नहीं आने दे रहे हैं। पूछते नहीं है, सारे सवाल उनके पास जा रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं वो भी जा रहे हैं। अरे सुनिए, सुनना चाहते आलोक अवस्थी जी, आपको राज्यसभा क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्यों दूसरे दल से लाके अर्जुन को भेजना पड़ रहा है? मुद्दों पर बात हो रही है यहाँ पर, कौन किसको राज्यसभा भेज रहा है, नहीं भेज रहा है, पूछेंगे सवाल उनसे नहीं पूछेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे कि आपने समाजवादी पार्टी नहीं तय करेगी ना। अनुराग जी, आलोक अवस्थी जी जवाब दीजिए, और ये भी कहा गया कि भारत रत्न के भरोसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको शोले पिक्चर का एक डायलॉग याद दिलाता हूँ जो असरानी ने कहा था कि कुछ दाएं जाओ कुछ बाएं जाओ, तो जिनको दाएं भेजो दाएं से भाग गए, जिनको बाएं भेजो बाएं से भाग गए, और उनका मेरे पीछे आओ तो मालूम पड़ा समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके साथी जो है दाएं और बाएं से भाग गए हैं, और पीछे देख रहे तो खाली परिवार खड़ा है, जनता नहीं है कहीं पे भी। तो ये स्थिति आज जो है कांग्रेस की हो गई है और समाजवादी पार्टी की हो गई है। और आज इनको क्यों आपत्ति है, अगर भारत रत्न हमने चौधरी चरण सिंह जी को दिया है, किसानों को मसीहा थे, उनको अगर भारत रत्न दिया है तो इनको क्यों इतराज है? यानी ये किसानों के दुश्मन बैठे हैं। और जहां तक किसानों की बात कर रहे हैं आस्था जी, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने किसानों को 5,00,000 करोड़ रुपए का खरीद करी है। जवाब आने दीजिए, देखिए आस्था जी, 5,50,000 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार में एमएसपी में खरीद कांग्रेस ने करी है, और 18,00,000 करोड़ रुपए का एमएसपी में अनाज हमारी सरकार में 10 सालों में खरीदा गया है। तो कहा 5,50,000 करोड़ की खरीद एमएसपी पे किसानों की, कहा 18,00,000 करोड़ में खरीद हमने करी है, 1,50,000 करोड़ रुपए हमने फसल बीमा योजना के में किसानों को जो है उनका उनका वो दिया है, और 2,81,00,000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी के पीछे किसान भी है, मजदूर भी है, दलित भी है, किसान भी है, किसान युवा भी है, और गरीब भी है देश का, गरीबों को लेकर डाले 25 करोड़ को हमने जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, 4 करोड़ लोगों को जो है हमने जो है आवास दिया है, 2 करोड़ और घर हम देने जा रहे हैं, वही हमने आप लखपति दी थी जो जितना 3 करोड़ लोगों को लखपति दी थी बनाया है, हम अनुराग जी का। तो यह सब आप आलोक अवस्थी जी 10 सेकंड बात पूरी करें, अनुराग जी लगातार बोलेंगे तो बात जाती नहीं है, बोलिए आलोक जी। आस्था जी, आस्था जी, मेरा साफ साफ कहना है कि आज भारत की जनता चाहे युवा हो चाहे महिला हो, हर व्यक्ति आज मोदी जी की तरफ आशा से देख रहा है, क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवा को नौकरी मिलेगी, विदेशों में आज भारत का सम्मान बढ़ा तो मोदी जी की वजह से बढ़ा है। आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में 44,00,000 करोड़ रुपया 10 सालों में खर्च किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और 12,00,000 करोड़ रुपया यूपी सरकार में खर्च हुआ था, सोचिए आप 4 गुना खर्चा 10 साल में हमने किया है। आज आज जो है इसीलिए भारत का विकास हो रहा है, 5 बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। चलिए ठीक है आलोक जी, कुल मिलाकर आप कामकाज अपना गिनवा रहे हैं और उसी के भरोसे आप चुनावी मैदान में। अब जाते जाते सवाल अनुराग जी आपसे भी और प्रियंका गुप्ता जी से भी, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें, वैसे तो आप वही बोलेंगे जो आप सोच सकते हैं, क्यों बिछड़े सब बारी बारी 2024 में अकेले रह गए? क्या सवाल दोबारा पूछिए? क्यों रह गए अकेले, क्यों बिछड़े सब बारी बारी 2024 में? जनता का गठबंधन हमारे साथ है और जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि जनता जितनी तकलीफ और दर्द से जी रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, करारा जवाब मिलेगा 2024 में, जनता करारा जवाब देगी, करारा जवाब देंगे आप, प्रियंका गुप्ता जी, तब इनको एहसास होगा कि जमीन खसक गई।
वो कह रहे हैं कि जनता से कनेक्शन है, लेकिन कांग्रेस तो ग्राउंड पर भी नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी ने भी अपनी न्याय यात्रा की अवधि जो है वो आधी कर दी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और वो भी बोर्ड के एग्जाम है, उसको देखते हुए यात्रा को जो है थोड़ा शॉर्ट किया गया, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं किया, सब जगह किया गया, क्योंकि चुनावी मौसम है और इस समय हमें और भी चीजों पर फोकस करना है, कैंडिडेट भी डिसाइड करने, और मुझे नहीं लगता कि यात्रा के समय कम होने से कोई फर्क पड़ता है। यात्रा अपनी जगह उतनी ही मजबूत है, उतनी ही जनता के मुद्दों से भरी हुई है, और जनता के मुद्दे उठाना हमारा काम है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का डर और भारतीय जनता पार्टी की सिक्योरिटीज और भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद नहीं है। समय खत्म हो रहा है। कुल मिलाकर अब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी से जो है वो जनता का मोह भंग हो गया है, लेकिन जवाब इस बात का नहीं है कि INDIA गठबंधन बिखर क्यों गया, कौन किसके साथ है, साथ आया फिर अलग हो गया, क्यों हो गया, अब आगे की रणनीति क्या होगी। पहले जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए, अब स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर पल्लवी पटेल की नाराजगी टेंशन बढ़ा रही है, तो साथ में समाजवादी पार्टी और उनके पीडीए एजेंडा पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि गृह कलेश से आखिर कैसे निपटेंगे अखिलेश, और कांग्रेस का गिरता जनाधार और साथियों का एक के बाद एक किनारे होते जाना ही क्या इस सरेंडर की वजह है। महाभैस में इतना ही, खबरें लगातार जारी, बने रही हमारे साथ।